أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الضائمة على قعدائهم مجمعين ما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لما سمعنا الهدى آمن به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وانا مِنَّ المسلمون وَمِنَّ القاسطون ومن اسلم فأولئك تحروا و رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. तमाम तारीफ़ें उस खुदा बुजुर्ग बरतर के लिए जो जालिमों की ताक में है और तमाम सलाम हदग दरामजवा मुकद्दसात के लिए जो मज़लूमों के साथ में हैं। है अलहमदिल्लाजीजअनामतमस्बल़ुरहज़ीम

दी महमद अम्माबाद शिक्र खुदा वंद तबारा का के मुसलसल आपकी खिदमत मुकदस में एक तालब इल की हैसियत के साथ हाजिर ख़दमत हुआ करता हूँ तफसर क़ुरान भी और तारीख़ मौलाए मतकीान भी तफसीर क़ुरान में तुरबारक जिन और तारीख़ मौल मतकीान में माँ कबल हजरत मौलाए कायन की ज़िंदगी के चंद गोशों का बयान अलब इन दोनों से पहले आपकी ख़िदमत में रोज़ाना कोई एक आध मसला फ़िकी से बयान किया जा रहा है कि शायद के और दिन बहुत जल्दी नसीब हो जबकि जमानई गैबस ज़मान जहूर में तब्दील हो दुआएं अपने मकाम पर हैं ज़मीन का जोर से भर जाना दिखाई दे रहा है और जब ज़मीन जोर से भर जाएगी तो ख़ुदा अदलो इंसाफ के क्याम के लिए अपने आखिरी हजत को ज़ाहिर फरमाएगा ज़मीन जोर से कैसे भर जाएगी इसके बारे में एक जुमला आपकी ख़दमत में अर्ज़ कर दूँ ज़मीन के भर जाने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ से अदलो इंसाफ मिलने के इम्कान हैं वहाँ वहाँ से अदलो इंसाफ अगर मिलना बंद हो गया तो समझिए कि ज़मीन जोर से भर गई जैसे मिसाल के तौर पर हम के लिए ओलमा ये बात बयान किया करते थे कि जब कभी आप गोश ख़रीदने बाज़ार में गए और आपको गोश की दुकान पर गोश नहीं मिला तो आपने कपड़े की दुकान पर गोश मालूम नहीं किया आपने शूज़ बेचने वाले की दुकान पर गोश्त मालूम नहीं किया आपने दूध बेचने वाले की दुकान पर गोश्त मालूम नहीं किया आप वापिस पलट का आपने कह दिया आज मार्केट में गोश्त नहीं है इसका मतलब जहां जहां गोश्त बिकता था वहां गोश्त आज नहीं मिल रहा ऐसे ही रुवे जमीन पर जहां जहां अदलो इंसाफ मिल सकता था अगर मिलना बंद हो गया समझ दीजिए कि जमीन जुल्म जोर से भर खुदा हम सब को नसीब करे ज़मान गईबत के बाद ज़मान ूर मगर मुश्किल ये हैजूर कि इमाम के अदलो इंसाफ को बर्दाश्त कैसे करेंगे हम और आप मिलकर इमाम अल्लाम की आमद के बाद जुल्म खत्म हो जाएगा तो चाहे वो जुल्म मैं कर रहा था अपनी औलाद पर तो ख़त्म हो जाएगा चाहे मेरी औलाद कर रही थी मुझ पर वो ख़त्म हो जाएगा तो क्या ये बर्दाश्त कर सकेंगे फिर लिहाजा बहुत सारे अफराद ने ऊफा छोड़ दिया जब मौलई कायनत की हुकूमत वहाँ पर कायम हुई कि अली का अदल इतना आसान न था बर्दाश्त करना जब उस इमाम का अदल बर्दाश्त करना मुमकिन न था जो गवाहों के साथ फैसला अदल किया करते थे तो आखिरी इमाम तो बगैर गवाहों के फैसले अद करेंगे बर्दाश्त होगा खुदा यूं कहिए इमाम के आने से पहले हमें गुनाहों से ऐसे बाहर निकाल ले कि इमाम का आना अच्छा लगे बुरा ना लगे सल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तो मसाइल में कल आपकी खिदमत में बात वहां पर थी जहां कोई इंसान अगर उम्र के लिए या हज के दौरान में हज के लिए पहुंचा है और खान खुदा का तवाफ़ वाजिब करना चाहता है तो तवाफ़ वाजिब करने से पहले याद रखिए मर्दों के लिए एक और शर्त ये है कि खतना शुदा हो अगर ख़तना शुदा ना हो तो वो खान खुदा का तवाफ़ मर्द नहीं कर सकते तो जो अपने साथ अपनी फैमिली को ट्रैवल करवाते हैं उम्र के लिए ख़ास तौर से बच्चों को तो इस बात का ख्याल करें कि तवाफ़ के लिए शर्त है कि बच्चे इस मरहले से गुजर चुके हों उसके बाद अगर हालत तवाफ में इंसान का वज़ू मुनक़ते हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए हालत तवाफ में वज़ू मुनक़ते हो जाने के बाद लामोहला वजू करना पड़ेगा अब वजू करने के बाद मगर वजू करने से पहले कौन से पानी से कर सकते हैं ये सवाल क्यों आया इसलिए आया कि हरम में रखे हुए पानी के कूलर्स इस पर लिखा है सुखिया जमजम मुबर्रदा और गैर मुबर्रदा अंडा और सादा पानी जो कूलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं हरम में या जो पानी पीने के मकामा वॉल के अंदर दीवार में बनाए गए हैं ताकि टैप्स पे आप पानी ले रहे पीने के लिए आया इस जमजम वाले पानी से आप वजू कर सकते हैं जवाब जी नहीं ये मखसूस पीने के लिए और पीने वाले पानी से आप वजू नहीं कर सकते फिर क्या करना चाहिए क्या फिर पहले मुश्किल बहुत थी अब हारम की नई इमारत में ऐसे मकामा अंदर बना दिए गए कि जहां पर इंसान वजू कर सकता इसलिए बगैर काफिले के जाने वाले और आम अफराद हरम में जाने के बाद जरा हरम को चेक कर लें ताकि अगर मुश्किल पेश आए तो आपके पास ये मालूम तो हों कि वजू करने मुझे कहाँ जाना पड़ेगा हमारी मुश्किल ये है कि जब मुसीबत आ पड़ती है तब ढूंढते हैं कि वोजू खाना के दसवाद पढ़े मोहम्मद पहले नहीं ढूंढते और बाहिर मेरी मालूम के तहत में वहां कोई ऐसी अलामत मौजूद नहीं जो बाहर सहन से आपको इंडिकेट करे कि वोजू खाना यहां पर है अभी तक तो नहीं है हो सकता लगा दिया उन्होंने तो क्या मतलब ढूंढना पड़ेगा ढूंढने का मतलब वो जहाँ से उतर कर सीढ़ियाँ आप मुताफ़ सहन में दाखिल होते हैं। वो जो कवर्ड एरिया है उसके अंदर वज़ू खाने मौजूद हैं सिर्फ वज़ू खाने हैं उसके अलावा तहारत खाने मौजूद नहीं हैं लेकिन अगर वहां तक ना पहुँच सकें तो, तो फिर अपने साथ अपना पानी खुद रखें छोटी बोतल में वज़ू के लिए पानी रखिए और वजू कर लीजिए इसको कहते हैं तीन चिल्लू का वजू यह बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हरम में इबादत के में ही नहीं बल्कि सारी जिंदगी काम आती खासतौर से अगर सुबह की नमाज इंसान लेट आंख खुले शहरी बहुत तगड़ी कर लीजिए और शहरी तगड़ी करने के बाद नींद भी तगड़ी आई अब उठाएगा कौन जब दो तगड़ी बातें जमा हो जाएं हरी और नींद और उसमें फिर वो उठते उठते ऐसी आंख खुली के अब नमाज कजा होने को है अब अगर वजू खाने में या वॉशरूम में गए तो नमाज कजा हो जाएगी अब फैसला करना कि तयम करके वजू करना है ये आपकी जिम्मेदारी है या मुख्तसर वजू करके नमाज पढ़ना है तयम करके नमाज पढ़ना है या वज़ू करके ये आपकी जिम्मेदारी है तो याद रखिए हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि उसके बेडरूम में या उसके कॉमन रूम में कोई ऐसी ड्रॉज होनी चाहिए जिसमें तयम की पाक मट्टी मौजूद हो इन केस ऑफ एमरजेंसी हो सकता सालों साल जरूरत ना पड़े और हो सकता है अचानक से किसी रात के आखिर में दुबह की नमाज के लिए आपको जरूरत पड़ जाए लिहाजा अगर दस्तयाब होगी तो इस्तेमाल मालूम और दस्तयाब ही नहीं तो इस्तेमाल कैसे हो so, तीन तो तीन चिल्लू का वज़ू, यानी एक चिल्लू से आपका चेहरा धुल जाए एक चिल्लू से आपका दाया हाथ धुल जाए एक चिल्लू से बाया हाथ धुल जाए मौलाना वजू कैसे होगा इतना मुख्तसर पानी है तो पानी बहाना वजू का हिस्सा नहीं है पानी पहुंचाना वजू का हिस्सा है बहाना और है पहुंचाना और है यूं समझिए कि जैसे ऑयल मला जाता है चेहरे पर या हाथों पर तो ऑयल बहाया नहीं जाता पहुंचाया जाता है ऐसे ही आप चाहें तो स्प्रे बोतल से भी वजू कर सकते हैं स्प्रे बोतल का फायदा क्या है कि सहन में मुताफ के अगर आप ये काम कर रहे हो तो पहले तो माशाल्लाह पहले बैत के मानने वाले हैं आपका वजू इतना खूबसूरत है कि कहीं किसी को कोई कराहियत आती ही नहीं है इतना ही काफी है अपने आप को देखिए औरों को छोड़ दीजिए कि आपका वजू कैसा है आपका वजू ऐसा है कि कोई परेशानी किसी को नहीं होती इसलिए कि आपके पांव नहीं धोए जाते वजू के अंदर आप मसा कर तो आपने स्प्रे बॉटल को यूज करना है ये आपके हाथ में स्प्रे बोतल है फर्श कर लेते हैं। आपने स्प्रे किया ऊपर पेशानी के उस मकाम पर जहां से बाल उगना शुरू होते इतना स्प्रे किया कि उसके ड्रॉप यहां तक चेहरे पर दिखाई देने लगे या महसूस होने लगे वरना इतना हो जाए कि आप अगर हाथ यहाँ फेरिए, तो ये पानी कम अज कम इस तरह जैसे ऑयल मला जाता है वहां पूरे चेहरे पर पहुंच जाए उसके बाद आपने स्प्रे बोतल से स्प्रे किया आपने राइट हैंड पर कोनी के ऊपर और इतना स्प्रे किया कि ऊपर से पानी नीचे की तरफ आप जब लाना चाहें अपने इस हाथ को इस्तेमाल करते हो तो पानी कम से कम इतना आ जाए कि पानी का पहुंचाना कहा जाए ऐसे ही फिर उल्टे हाथ पर सीधे हाथ से पानी पहुंचा दी या तो चिल्लू भर के कर रहे थे अगर टैप पास खड़े हुए थे बेसन के साथ खड़े हुए थे और अगर आपके पास स्प्रे बोतल थी तो आपने उसको यूज किया उसके बाद अब जब आपने अपना ये बाया हाथ भी धो लिया तो अब सर का मसा और पैरों का मसा बस इसमें एक बात ख्याल करना है कि सर का मसा तो आपका इतमान से हो जाएगा अलबत् पैरों के मसे में इस बात का इमकान है कि जो आपने अपना स्प्रे इस बोतल इस्तेमाल की है उसकी छींटें आपके पैर के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच गई होंगी तो आप चाहे एहराम पहने हुए हों या आम जिंदगी में ये काम कर रहे हो अपने पैर के ऊपर के हिस्से को ड्राई कर लीजिए ड्राई करने के लिए अगर आपने टिश्यू इस्तेमाल किया तो जो हाथ में तरी वो निकल जाएगी तो टिश्यू का इस्तेमाल छोड़ दीजिए फिलहाल कुछ देर के लिए और अपने ही कपड़ों को इस्तेमाल कीजिए अपने पैरों के ऊपर वाले हिस्से को ड्राई करने के जस्ट लाइक like जैसे आपने ये किया कि राइट वाले पाओ को अपने आपने लेफ्ट वाली अपनी शलवार पर या अहराम की चादर पर मश कर लिया इतना मामूली मश करना है कि ऊपर का जो रॉब गिरे हैं वो खत्म हो जाए फिर आपने मसा कर लेना इसमें आपका हाथ यूज नहीं हुआ और हाथ यूज ना होने का फायदा ये हुआ कि तरी बाकी है मसा कर सकते इतना शॉर्ट वज़ू अगर आपने सीख लिया तो बहुत काम आएगा ख़ास तौर से मस्जिद हराम में अवाफ़ के दौरान ख़ास तौर से मस्जिद नबवी में जन्ना में नमाज़ों के पढ़ने के मसले में जबकि बाहर निकल के आजकल वापस आना मुमकिन नहीं क्योंकि तो साल में एक मरतबा आप टाइम ले सकते हैं नुसुक एप्लीकेशन पर जन्ना जाने की साल में एक मरतबा और ओनली फिफ्टीन मिनट अब फिफ्टीन मिनट में आपको वो ले जाके बिठाते हैं तीन पार्ट्स के अंदर फिर ले जाते उसमें वजू अगर खत्म हो गया बैठने उठने में तो जाके क्या कीजिएगा अंदर वहां तो वजू खाना भी नहीं हो सकता तो वहां कूलर के पास बैठकर आप अपनी छोटी स्प्रे बोतल से वजू कीजिए और अपनी इबादत को इंजॉय कीजिए अगर ये मसाला मालूम ना हो तो खाली बैठ बैठ के आ जाइए हरा कारपेट तो मिलेगा मगर जन्नत का हरा हरा सवाब नहीं मिलेगा सल बार पढ़े मोहम्मद ये इसलिए मैंने आपकी खिदमत में बयान किया कि खास तौर से आम जिंदगी में सुबह तो की नमाज का मसला कभी हो जाता है कभी और मुश्किल पेश आ सकती है तो शॉर्ट वज़ू अब बात हमारी कहाँ पर थी कि तवाफ करते हुए अगर इंसान का वज़ू मुनकते हो गया कौन सा तवाफ़ वाजिब तवाफ वाजिब का मतलब हर उम्र के दो तवाफ की बात हो रही है एक पहला तवाफ एक तवाफ निसा। अगर इसको अंजाम देते हुए आपका वजू ब्रेक हो गया क्या करना चाहिए वजू करना चाहिए अच्छा वजू करने के लिए निकलने से पहले फिर गौर कीजिएगा आपको राउंड याद होना चाहिए आपका वजू ब्रेक हुआ राउंड नंबर वन या टू या थ्री या इसके अलावा किसी और के अंदर नंबर एक नंबर दो राउंड तो याद है स्पेस भी याद कीजिए किस मकाम पे हुआ था जब आप आउट होंगे तो आपको दोबारा इन भी तो होना होगा अगर आउट होने के वक्त पर मकाम याद नहीं रहा तो फिर फीकी एतबार से आपकी जिम्मेदारी फिर वहां से शुरू होगी जहां से राउंड को शुमार किया जाता है यानी हजरे असवस इसलिए याद रखना कि राउंड नंबर क्या था और जगह कौन सी थी वजू ब्रेक होने के बाद फौरन निकलना है बाहर अब एक कदम भी आप आगे चलेंगे और तो चलना हराम नहीं है मगर यह तवाफ के राउंड का हिस्सा नहीं होगा अब आप बाहर निकल जाइए एक से लेकर तीन के दरमियान वन टू थ्री इनके दरमियान कहीं वजू टूट गया बाहर आइए वजू कीजिए और नए सिरे से बिल्कुल तवाफ़ कीजिए स्टार्ट से एक से पे सात मुकम्मल करना होंगे वो तीन अब शुमार नहीं होंगे और अगर चार से लेकर सात के दरमियान कहीं वजू ब्रेक हो गया तो आपने बाहर आना है बाहर आने के बाद फिर वजू करना है पर जहां से ब्रेक हुआ था वहां पर वापस आना है और एक कदम पीछे हटकर उस मकान से ताकि यकीन कामिल हो जाए जितना हिस्सा मेरा मुनते हुआ था मैंने उस जगह को कवर कर दिया है बात गई, इतना आसान नहीं है शैतान बड़ा वसवसा डालता है अब वजू गया और तब वजू गया नफखतु शैतान ला वाला कव अल्लाजीम इंसान को चाहिए कि नफखतु शैतान पे तोज्जो ना करे और बात शैतान की आएगी तो उन्वान पे अपने आप वापस पहुंच जाएंगे शैतान ही का तो मसला सारा है ये शैतान वसवसे डालता है शैतान पेट में इंसान को ये फील दिलाता एहसास दिलाता है कि ये वज़ू टूट गया ब्रेक हो गया आपका वज़ू खत्म हो गया जबकि खत्म हुआ नहीं होता एक बात वाजी हो रही है जब तक जब तक इंसान फिजिकली उस कैफ़ियत को महसूस ना कर ले जो वज़ू टूटने वाली जब तक खाली शक और शुबे की बुनियाद पर वजू मुन नहीं होता अब ख़ैर बहुत तफसील में शायद आज ना जा पाए आइए शैतान के लफ्स से हम वापस आते हैं कि शैतान कौम जिन से है और हम जिनों के साथ इस पूरे अशरे उला में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं इस वक्त इस इमाम बारगा में अजन्ना मौजूद हैं मौजूद हर जगह होती और हर जगह ऐसे होते हैं। कि सोरे आराफ की आयत में खुदा का ऐलान है कि वो और उसका कबीला वो तुम्हें देखते इन्ना हु या राबील हो वो भी देखता है यानी वो कौन खैतान चैतान किस कबीले से है जिनों से जिन क्या है ये जिन खुदा की ऐसी मखलूक है इनको आगाए मुताहरी ने इतना आसान किया अनर्जी रखने वाला एक शूर कहा इसे बाशर अनर्जी रखने वाला एक वजूद है जिन और जिनों की कैफियत में वो शैतान चूंकि उस कबीले से है तो ये तुम्हें देखता है और उसका पूरा कबीला तुम्हें देखता है तहुम इस हैसियत में कि तुम जिनों को नहीं देखते जिन तुम्हें देख हाँ तुम जिनों को कब देख सकते हो जब जिन किसी जाहरी शकल को इख्तियार कर ले वो इंसान की भी हो सकती है और हैवाना की भी हो सकती है वह चरिंद परिंद की भी हो सकती है ये पहला अशरा अच्छा से जिनों के बारे में अगले अशरे में बात आएगी मलाइका के हवाले से वो क्या है फिलहाल तो जिनों के बारे में एक रिवायत बरादरा ने अहले सुन्नत की आगे बढ़ रहा पूछा गया सरकारी खत्म ये मरतबा वसल्लम से कुछ लोग होते हैं ना जिनको बड़ा शौक होता है जिन्हों के बारे में मालूम हासिल करने का ये जिन खाते पीते क्या है रिवायत सही मुस्लिम की है कितनी सही वो अलग बात कि जिन तुम्हारा बचा हुआ तुम जो इस्तेमाल करते हो गोश्त और उसके बाद जो हड्डियों पर रेजे बाकी रह जाते हैं उससे वो शैतान इस्तेमाल उससे जिन इस्तेमाल करते हैं यानी कौम जिनकी यही खुराक है कि अलग मौजू है कौम जिन कितना खाती है जितनी उनकी ताकत की डिमांड होती है और खुदा ने हर इंसान को हर एक वजूद को हर एक जर्रे को उसकी नीड के मुताबिक रिस्क अता किया इसलिए अलहमद रब आलमी आलमीन का रब है जितनी जिस जर्रे की नीड है उतना उसने उसको अता करना है यह रब की बुनियाद पर उसकी जिम्मेदारी तो जितना उसने जिनों को बनाया है जिन कितने सारे बनाए जिन इंसानों से ज्यादा बनाएगा इतने ज्यादा बनाएगा कि बहत्तर हजार जिनों ने सरकार के खदमत मुकदस में कलमा पढ़ा ये कब का वाकया, जो हम पिछले पांच दिनों से आपकी खिदमत में एक बहस लेके चल रहे हैं कि मस्जिदें जिनके मकाम पर आप को है हिरा से वापिस आ रहे थे या वो राज जिसमें आप जिनों के कबीले के अंदर ले जाए गए और वहीं पर आपने तबलीग फरमाई और तो की वादी एक मदीने में इलाका मशहूर कर दिया वादी ये जिन के नाम से हमें भी ले गए उठा के जिन नहीं जाहिर या चले मौलाना ये वादी जिन जरा दिखाएं कहाँ पर है तो मदीने में एक वादिय जिन का एक नाम से इलाका आवाम में मशहूर हुआ खवास में नहीं और उसकी पहचान क्या बताते हैं लोग कि जनाब वहां पानी अगर आप डालिए तो पानी बजाय नीचे जाने के ऊपर जाता है और गाड़ी बगैर इंजन ऑन किए हुए ऑफ करने के बाद भी चलती रहती है तो मसला ग्रेविटी का है या वाकिय जिन है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है जिनों की वादी खाली मदीने में नहीं है हो सकता है सरजमीन बैदा का हवाला हो हो सकता है अलामत इमाम जमाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों अलामत हो जिन नहीं भाई जिनकी आयतें पढ़ते हुए जरा तर्जुमा मुकम्मल करें और बड़ी सुस्त रवि से बात आगे बढ़ रही है और आपको जमाइयां भी आ रही हैं मसला नहीं है परवरदिगार आलम ने जो जिनों की बात को बयान किया तो उसमें हम यहाँ तक पहुंचे कि जिन अच्छे भी होते हैं जिन बुरे भी होते हैं जिन मुसलमान भी हैं जिन मोमिन भी हैं जिन काफिर भी हैं जिन ईसाई भी हैं जिन यहूदी भी हैं जिन सुन्नी भी हैं जिन शिया भी हैं जैसे आपके यहाँ तमाम तबका हाय फिक्र पाई जाती है ऐसे तमाम मसालिक की एक नुमाइंदगी कौम जिन के अंदर की है और ये हम अपने पास से नहीं कह रहे बल्कि ये आयात के उवाना थे तो ये गुमान कर रहे थे कि ये परवरदगार आलम अब किसी को मबूस नहीं करेगा बस हो गए मूसा उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा या ईसा के बाद किसी नबी का आना बहुत दूर दूर तक इतना गैप हो चुका था पांच सौ साल हो गए थे हजरत ईसा के बाद सरकार खत्म की आमद के दरमियान में तो बाज ने तर्जुमा किए शायद का कि ये समझते थे कि शायद खुदा कयामत में किसी को नहीं उठाएगा नहीं कयामत का मजु यहां पर नहीं है ये गुमान करते थे इंसान जिनों की तरह जिन इंसानों की तरह कि अब कौन नबी आएगा खुदा किसको मबूस करेगा लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा कब हुआ कि किसी को मबूस कर दिया गया जब ये जिन ओम जिन के अफरा क्योंकि ये ट्रेवल कर सकते हैं हवाओं में फिजाओं में ये उड़ सकते हैं मिसले हवा के एनर्जी के तो ये जाते थे आसमानों की तरफ रवायत का जुमला ईसा सलाम के दौर तक तो ये जिन के अफरा जा सकते थे चौथे आसमान से नीचे तक ऊपर के तीन आसमान बैंड कर दिए गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हजरत ईसा की आमद से पहले ये सातों आसमान तक जा सकते थे सातों आसमान तक जा सकते थे और शायद इसीलिए बास ऊलमा कहते हो जो जन्नत में आदम को बहकाने का हवाला है तो वहां तक पहुंचा कैसे तो जा सकते थे तो पहुंचा गया ये अपने मकाम पर एक इख्तलाफी बहस है ये जन्नत वहां थी या जन्नत करबला में थी आदम कहाँ रखे गए थे वो अलग मौजूद तो बहरहाल जिन्हों का ऊपर जाना ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज का इंसान तरक्की याफ्ता टलाइट के जरिए से या दीगर तरक्की करते हुए जाने वे आसमान मौसम की खबर देता है चांद गहन की खबर देता है सूरज गहन की खबर देता है और नए कस्म के किसी स्यारे सितारे की खबर देता है ये कैसे मुमकिन हुआ ये ऊपर बढ़े तो मुमकिन हुआ ना अब वही जुमला में दोहराता हूं या माशा जिन वाल इंस इन अख्तार समावत वाल अर्ज। ला इल्ला बे सुल्तान जिन भी जा सकते हैं सुल्तान के साथ और इंसान भी जा सकते हैं सुल्तान के साथ और जब किसी ने पूछा मोलाये कायनात अलीब ने सलाम कि क्या चांद पे जाना इंसान के लिए मुमकिन है जब जवाब नहीं मगर सुल्तान के साथ तो सुल्तान यानी का एक तर्जुमा बादशाह, एक तर्जुमा ताकत और हुक्मरानी एक तर्जुमा इसका घोड़ा एक तर्जुमा इसका तीर जो सवारी इंसान ने बनाई ऊपर जाने के लिए वो बनाई तीर की शक्ल में ऊपर जा रही आज से 1400 साल पहले बता तो अली गए थे बस समझने वाले भी अली वाले हो जाते वो अलग बात है तो ऊपर जाकर ऊपर की खबर लाना अब ये जिनों का जो मसला है ये समझते थे इंसान जो जिनों से मैल मिलाप रखते थे वो काहिन और जादूगर टाइप के लोग ये जिन ऊपर से खबर लाया है और फिर उस खबर की बुनियाद पर ये लोगों में अपना जादू और केहानत में काम किया करते थे मिसाल ले लीजिए आज अगर आज की जदीद साइंसी दौर में आपसे कहा जाए कि छह दिन के बाद बारिश होगी सिस्टम अभी बंगाल की तरफ है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है तो हो सकता है पुराने दौर के लोग इसको जादू समझे तुमने बात की गैब की गैब की तुम गैब जानते हो बारिश छह दिन बाद होगी तुम अभी बता रहे हो ये मैंने इसलिए इतना खोला कि आयतें अगर इंसान समझे बगैर पढ़ेगा तो ऐसा महसूस होगा जैसे कौमे जिन को वहां तक रसाई थी बेचारा इंसान इंसानों में खुदा ने अशरफुल अशरफुलमखलूक में जो अशरफ करार दिया खत्म ये मरतब को उन्हें मेराज पे ले जाके बताया कि जिन उसे कहते हैं जो आसमानों से लौटा दिया जाए इंसानों में मोहम्मद उसे कहते हैं जिसे खुदा अपनी बारगाह में बुला कहाँ तक तो कहने लगे कि अब हम आसमान के करीब जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि आसमानों पर बड़ी सख्त सिक्योरिटी बढ़ गई है ये तर्जुमा कर रहा हूँ आयत आसमानों की सिक्योरिटी बढ़ गई है और इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि खाली खड़े हुए अफराद फरिश्ते जो हैं उनके हाथों में वो इंडिया के ज़माने के डंडे नहीं हैं उनके हाथों में क्या है शहाब शहाब मुफरद है शहब उसकी जमा है अब बहुत तफसील में जाए तो खुद शहाब एक मौजू है ये शहाब क्या है ये आसमान अव्वल के सितारों से निकलने वाली वो आग के टुकड़े हैं वो चिंगारियां हैं जिनको साइंसदान कहते हैं ये पत्थर हैं कि जो जमीन की का शीशे सकल की बुनियाद पर तेजी के साथ नीचे आ रहे हैं फिजाओं में और जैसे ही ये करीब आते हैं तो इनकी शिद्दत नीचे आने की बढ़ जाती है लेकिन ये जो बयान कर रहे हैं ये और चीज है और जो कुरान ने बयान की हो सकता है वो अलग बात हो हो सकता है एक हो इसलिए कि अभी इंसान इल्म के रास्ते में एक तालब इल्म है अभी कायनात को देख रहा है कायनात फैलती जा रही है अल्लाह ये कायनात अभी रुकी नहीं है मुसलसल फैल रही है और जितना फैल रही है उतना इंसान का इल्म नहीं बढ़ रहा बहुत स्लो स्पीड से इंसान आगे बढ़ रहा है इसीलिए एक से डेढ़ हर्फ का इल्म है आएगा आने वाला हुत खुदा तो ये ऐसा इल्म हो जाएगा सत्ताईस का इल्म अल्लाह ये जिन कहते हैं पहले तुम जाकर आसमानों के करीब बैठ जाते थे और वहां से सुन गुन लिया करते थे फरिश्तों की बातें सुना करते थे ये समझाने के लिए है जैसे आज कोई मौसमी हालात और दीगर मालूम ऊपर से आपको यहां भेज दे लेकिन कोई ऐसी बात वाकई हुई है जिसकी बुनियाद पर हमें वहां जाने से रोक दिया गया तो खुदा ने किसी को मबूस किया है ईसा के बाद 500 साल के बाद जब अल्लाह ने अपने हबीब को मबूस किया तो सातों आसमान का रास्ता इनके लिए बंद हो गया अब रहा मसला कि क्या ये सातों आसमान तक पहुंचकर भी क्या गैब जानते थे जिन या नहीं जानते थे क्या ख्याल है आप अब मैं क्या जुमले इस्तेमाल करूँ अब तो शायद कुछ कम हुआ मगर अभी भी ये बीमारी ये कमज़ोरी ये मसाइल अभी भी हैं कहीं कहीं ये लोग समझते हैं शायद ज़र जिन ज़्यादा आलिम हैं मख्ल बयान करने के लिए ज़र जिन करबला के मैदान में हाजिर हैं मगर आलिमुल ग़ैब नहीं है अगर जिन्हों को इलमे गायब होता आइए उसकी मिसाल बार रिवायत इमाम जाफर सादिका लेते तो हुए मैंने लफ्ज इलम गैब इस्तेमाल किया इमाम की रिवायत के एतबार से किताब काफ़ी में एक पूरा चैप्टर है जिन्नात का मासूमीन की खिदमत में आना ये चैप्टर है पूरा उसूल काफी में और सात आदीस हैं इस चैप्टर के अंदर कि किस तरह कोई जिन किस मासूम की खिदमत में आया और बहुत सारे वाकयात इसके वा तो मैं आपको लिए चलता हूं अगर आप थके ना हो सूर्य सभा के अंदर बहुत दूर नहीं है करीब ही है ये सेवेंटी टू है सूर्य जिन वो थर्टी फोर है सबा, तो सबा की आयत बड़ी खूबसूरत है आयत नंबर चौदह अब तो ये भूलने की बात तो नहीं होगी इनशा अलमा तो कजैना अल हिल अब चलें इस आयत के पसे मंजर में तर्जुमा सुनते सुनते जमाना जनाब सुलेमान का है ये सभा का मतलब वही वाकया बुरा है जो कल मैंने पढ़ा वो सोराय नमल से आपकी खदमत में आयात बयान की थी सोराय नमल का मतलब था वो मकाम बयान किया था कि जहाँ पर एक बड़े जिन ने मलक सबा के तख्त को लाने की बात की थी और जवाब में एक इंसान ने अपने इल्म के साथ इस तख्त को लाने की बात की थी ना तो क़ुरान ने उस इंसान का नाम है और ना कुरान ने उस जिन का नाम है इफ़रीत मिनल जिन वाली इंदो मनल किताब नाम नहीं है अलबत् तारीख में और रिवायात में नाम है आसिफ ने बरखिया और जिनका नाम तलाश करके मैं आप तक पहुंचाऊंगा अगर मुझे मिल गया क्योंकि सारी मालूम जिनों के बारे में इतनी आसानी के साथ नहीं मिल रही जबकि कुरान ने बार बार जिनों को शामिल गुफ्तू किया है रहमान में तीस मकामा से ज्यादा है फब अये अलाय रब को माँ को माँ रब अलग है कुमा अलग है ये कुमा में दो कौन है तुम दो एक जिन इंसान तो जितनी बार जिन मुखातिब किया गया उतनी बार इंसान मुखातिब किया गया तो जैसे इंसान के नमतें हैं ऐसे नमतें है जिन के लिए हैं जैसे इंसान के लिए मौत है ऐसे मौत जिनके लिए भी है, वरना कुल्लो मनाले है फान, वायबुका वज़ो रब्बे का जुल्ज़लाले, वल लिखना फबे आया अल्लाह रब्बे कुमा, तो कैसे बात वाज़े हो रही? है। आयत नंबर 14, फलम्मा कावईन अलाइहिल मौत, जनाब आप सलेमान ने जिनों से खूब काम लिया था, जिनों से खूब काम लिया। था। क्या काम लेते थे इबादत खाने बड़े बड़े इबादत खाने बनवाए इसे महारीब कहा गया बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई उसके साथ साथ बड़े बड़े प्याले बनवाए उसके साथ साथ उस जमाने के लिहाज से जो उनकी शरीयत में गुंजाइश थी वैसे किस्म के मुजस्मे बनवाए जैसे उनकी शरीयत में गुंजाइश खूबसूरती और दीगर मसाइल क्यों ये सारे काम खाली इंसान नहीं करते थे ये जिन भी कर रहे थे हजरत सलेमान के लिए और जब जनाब सलेमान बहुत अल्लाह ने आपको नवाजा मौत तो आपको आई कि नहीं आई फल अल अलैहिल मौत और जब हमने सोलेमान की मौत का फैसला किया तो सोलेमान ऐसे मर गए कि जिन काम करते रह गए सोलेमान मर चुके थे यानी आप खड़े हुए थे और आपके हाथ में ऐसा था जैसे कि काम की निगरानी कर रहे हो और आपको खड़ा देखकर हाथ में असा देखकर आपको तो पता है कुछ लोग जुबान की समझते हैं कुछ लोग समझते हैं उसकी इसे जो चाहे आप नाम दीजिए मैं तो सिर्फ असा कहता हूं खता करोगे तो असा से पिटोगे जनाबे सलीमान इतने दाऊद का ही इल्ला अर्ज जिनों इंसानों को उनके तमाम तर खिदमत गुजारों को मौत की खबर न हुई हजरत सुलेमान की मौत की खबर न हुई इल्ला दुला अर्ज सिवाय एक छोटे से हशरे के इसे दीमक उर्दू में कहा जाता वो जो लकड़ी को अंदर से खा लेता है वो कीड़ा दाबतुल अर्स उसे खुदा ने अजीब नाम दिया दाब बतुल दाबतलअर्स आमतौर पर कहा जाता है उस वजूद को जो जमीन पर पांव रख कर चलता हो दाब बतुल दाबतुलर्स और शायद अलाई में जहूर इमाम जमान में दाबतुल अर्स का सफा पहाड़ी के पास से जमीन से बाहर आना वो अलग मौजू है इंसानी आवाज में बातें करना यहां इस्तेमाल हुआ है कीड़े के लिए कीड़ा कौन सा जिसने दीमक उन्वान इसका है और उसने असा को खाना शुरू किया ताकुल उसने उस लकड़ी को जिस पर आपने हाथ टिकाया हुआ था उसे खाना शुरू किया अल्लाह हो अकबर क्या खुदा की शान है क्या खुदा की शान है। यानी ने लकड़ी को खाया मगर जिसमें सुलेमान से उनकी मौत के बाद कोई स्मेल नहीं आई सोचिएगा जिन इतना डरते थे जनाब सलेमान से कि उनकी आंखों की तरफ देखते ही न थे देखा होता तो देखते कि पलक झपक नहीं रही पलवात पड़े हो भाई अगर मैं आपके सामने मिंबर पे बैठा हुआ हूं मेरी रूह कब्ज हो जाए तो क्या होगा आवाज आना बंद हो जाएगी और अगर खामोशी ही जिक्र आल मोहम्मद बने तो, तो आप देखेंगे मौलाना कुछ जुबान से लब हिल रहे हैं नहीं हिल रहे आंखें काम कर रही नहीं कर रही सांस तक तो बहुत बाद में पहुंचेंगे पहले आस की बात करेंगे सांस तो बाद में है तो जनाबे सलेमान इब्ने दाऊद के सामने जिन काम कर रहे थे बेचारे वही अब मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं नौकर बने हुए खादिम बने हुए जुते रहे तभी तो मकड़ी को दुआ उसको दीमक को दुआ देते दीमक ने ये काम कर दिया अब मसला क्या है फलम खर्रा जब जनाब सुलेमान का वजूद जमीन पे गिरा खर्रा तब भाई यह निन्नो तब जिन्हों को पता चला कि ये निकल गए जब तक खड़े थे तब तक पता नहीं था ये काम करते रहे आपको तो खूब अंदाजा किबला अगर बॉस खड़ा हुआ हो तो आप लगे रहते अगर बॉस निकल गया तो आप भी निकल जाते हैं ऐसा है कि नहीं ऐसा ही है ना जनाबे सलेमान खड़े थे तो ये सब काम चल रहा था वो सब नहीं खड़े हुए तो जिंदा ही होंगे और जैसे ही अब इसका मतलब है इतना टाइम लगा देखिए कोई दीमक अगर लकड़ी को खाना शुरू करे तो दीमक को इतना बड़ा हसरा नहीं है कि एक घंटे में दो घंटे में चार घंटे में दस घंटे में एक दिन में खा के खत्म कर दे टाइम चाहिए होता दीमक बहुत आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी खाती है इतना टाइम इनको लगा मौजू क्या बना था जिन इल्मे गैब जानते कि नहीं जानते खर्रा अब इमाम से पूछा गया मौला जिन इलमे गैब जानते हैं ऊपर से खबर लेकर आते हैं तो जिन हमसे बड़े मोतबर हो गए इमाम फरमाते हैं अगर जानते होते तो जनाब सलेमान के गिरने के बाद समझे कि ये निकल गए गएर्रब अल्लाह क्या मब सूफिल अजाबिल मुहीन अगर जिन गैब जान रहे होते कभी भी इस तरह जुते हुए काम में न रहते जैसे वो काम कर रहे थे बात आप तक पहुंच गई वापिस आइए सूर्य जिन के अंदर सूर्य जिन में अब जिन कहते हैं कि जब हम ऊपर पहुंचे तो ऊपर की एंट्री बैंड हो गई जैसे ही हमने आसमानों को टच किया तो मैं अपनी जुबान में कहता हूं आसमानों से ऐसी बर्फी और रौ निकली या आप समझे कुरान की जुबान में कि वहां खड़े हुए सिपाहियों ने खुदा के फरिश्तों ने इनको ऐसा टारगेट किया कि भागते ही दम पड़ी इनको इतनी तेजी के साथ इन पर फायर किए गए कि जिनों को वहां से भागना पड़ा कहते हैं कि हम इससे पहले तो वहां जाके बैठ जाते थे सुनने के लिए अब जब सुनने जाते हैं तो वहां मार के भगाए जाते हैं कुछ तो नई बात हुई है हम नहीं जानते कि इनके लिए इस बात का बुराई का इरादा है जमीन वालों के लिए या इनके परवरदिगार ने इनके लिए कोई अच्छाई का इरादा किया है अगर जिन इलम गैब जानते होते तो बताते ना कि अच्छाई मुराद है या बुराई मुराद है। आपको क्या खबर कि आपको जो बताया जा रहा था कि पांच दिन के बाद जो जजला आने वाला है वो रहमत बनकर आएगा या अजाब बनकर आएगा आपको महकमा मौसमियात ने रसद रसदगाहों ने यह तो बता दिया कि आने वाला पांच दिन में आप तक पहुंचेगा उसकी शिद्दत बयान कर दी मगर यह तो बयान ना कर सके कि कितना नुकसान हो सकता है पता चला ऐन वक्त पर हवा तब्दील हुई किसी सैयद की दुआ चली और हम तो बहुत सारे सैयदों की दुआओं में ही जीते हैं ना कभी सैयदा की दुआ कभी सैयद की दुआ वरना कहाँ सैयद मोहम्मद बलत का इलाका वरना कहाँ मिस्र का इलाका सैयदा नफीसा खातून बहुत सारी मिसालें ये जिन कहते हैं कि हमें नहीं मालूम ये जो तब्दीली आई आसमानों पर इस तब्दीली से ज़मीन वालों के लिए क्या मुराद लिया गया है कोई अच्छी खबर आई है या कोई मुश्किल वाकई होने वाली है हाँ जिनों को ये खबर न थी कि खुदा ने अपने आखिरी खत्म मरतबा सल्लाम को मबूस कर दिया अब ये कहते हैं कि हम में से बास अमल सवाले करने वाले हैं और हम में से बास अमल सवाल करने वाले नहीं हैं और हमारे यहाँ भी मुख्तलफ कबीले हैं कौमें हैं इख्लाफा बहुत ज्यादा हैं तरा क़ददा और हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह को ज़मीन में आजिज नहीं कर सकते और ना हम अल्लाह को ज़मीन में दौड़ा कर थका सकते जिन नहीं कर सकता ये काम तो इंसान कर सकता है हो सकता है कि इंसान अपने तौर पे समझे में दौड़ के वहां पहुंच जाऊंगा जैसे बच्चा अपने वाले को अपनी समझ के तौर पर दौड़ाता है यहां दौड़ गया वहां दौड़ गया वहां दौड़ गया अब्बा कब तक दौड़ेंगे मेरे पीछे उसे पता नहीं कि तू यहां से जा रहा है अब्बा शॉर्टकट मार के आ समझाने की मिसाल दे रहा हूं ताकि हम और आप उस मकाम तक पहुँच सकें और ये जुमला इमाम हसन मुशतबा सलाम की बार गाय मुकदस जब इमाम से पूछा गया मौला ये बताइए और ये रिवायत नहीं पढ़ता खाली एक जुमला पढ़ूंगा पूछा गया मौला से मौला गुनाह बहुत पसंद है और मौत से डर भी लगता है ऐसा नुस्खा बताइए कि गुनाह भी करता रहूं और ये मौत वाला खौफ भी खत्म हो जाए कोई सवाल हमसे किया जाता है हम कहते जाओ निकल जाओ यहां से बाहर अमां क्या घर से लड़के आए हो ख्याल जहन्नम का ख्वाब जन्नत का कहां की बात कर रहे हो गुनाह भी करो सजा भी ना मिले ये बात हुई मगर इमाम ने शात फरमाया हाँ ऐसा मुमकिन ऐसा कब मुमकिन है जब तुम पांच में से कोई एक काम तो कर लो क्या पांच काम कौन से हैं अरे एक काम बताता हूं का अगर तुम ये कर सकते हो कि जब मलकुल मौत तुम्हें आए रूह कब्ज करने के लिए तो मलकुल मौत को अपने पास से दूर भगा दो कह दो कि मैं नहीं जाऊंगा अगर इतनी ताकत पैदा कर सकते हो तो जो चाहो गुनाह करो फिर साब नहीं होगा तबला मलकुल मौत को भगाना तो बहुत दूर की बात है उसका नाम सुनकर ही इंसान को खौफ की कैफियत तारी हो नाम तो बहुत दूर है कभी कब्रिस्तान से वापस घर आते मट्टी कब्र की सात पांव में आ गई अम्मा ने ऐसा डांटा मैंने कहा अम्मा करूं क्या कब्रिस्तान से घर पे आया हूं क्या किसी और के घर से होकर आता ना ताकि मट्टी वहां चली जाती है अब मलबल मौत मट्टी ढूंढता हुआ अगर आता कैसे कैसे नुस्खे हैं सुभान अल्लाह ये बता रहे हैं कि मौत का खौफ है और इमाम समझा रहे कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि गुनाह के बाद तुम पर कोई अजाब ना किया जाए तो ठीक है इतनी ताकत पैदा कर युम हुकूमतिक ना जिन और ना इंसान खुदा को आजिज नहीं कर सकते जिन कितना दौड़ सकते हैं सातों आसमान तक जा सकते हैं जिन कहां तक दौड़ सकते हैं एक लहजे में यहां से वहां वहां से वहां सारे काम कर सकते हैं मगर खुदा को आजिज नहीं कर सकते खुद कहते हैं कि हम ना तो जमीन में खुदा को आजिज कर सकते हैं और ना जमीन के अलावा यानी आसमानों और फिजाओं में खुदा को हरा सकते हैं दौड़ा दौड़ा कर हरा सकते अल्लाह ये जिनों की गुफ्तु है सूरज में और जब हमने सुना हिदायत की बात को तो हम तो हिदायत की बात पर ईमान ले आए होदा अब एक बात याद रखें एक है तंजील और एक है तावील तो तंजील में लफ्ज अलहदा है तावील में विलायत अली तालिब मैं नहीं कह रिवायत मासूम जब हमने सुना हिदायत को यानी विदायत अभी तालिब को तो हम ईमान ले आए तो जिन भी मौलाई हो गए तो बशर के साथ जिन बोला अली मौला और हाँ के साथ था, मैंने थोड़ा सा इसको तब्दील किया हमने जब सुना हिदायत को हम उस पर ईमान ले आए अब जो भी हिदायत पर ईमान ले आए तो उसको फिर दो खौफ खत्म हो जाते हैं बख्सन वाला राह एक नुकसान का खौफ एक जुल्म का खौफ बख्सा और का नुकसान का खौफ और जुल्म का खौफ नुकसान क्या है और जुल्म क्या है कि अब उसकी नेकियों में कोई कमी नहीं होती और बुराइयों में इजाफा नहीं होता जब वो ईमान ले आए हिदायत को समझ ले विलायत को कबूल कर ले तो उसकी नेकियां जाया नहीं होती और उसके गुनाह उसके गले नहीं पड़ते इसलिए तो रिवायत है अल्लाह के हबीब की हब्ब अली हसनतुन अली की मोहब्बत ऐसी हसना है कि जो गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग खुश्क लकड़ी को जलाकर राग कर दे। आप समझ रहे थी इसको आप बताएं ईमानदारी से लकड़ी खुश्क और आग साथ रह सकती है क्या ख्याल है मैं गलत हूं आप समझ रहे हैं भाई आग भी जल रही है हवा सुबह अल्लाह और लकड़ी भी खुश्क है तो या तो आग जाली है या लकड़ी चाइना की है वही बहुत एक बात है ना आग भी और खुश लकड़ी भी यानी होब्बे अली भी और गुना भी तो कहीं तो है मसला खराब या तो मोहब्बत अली नंबर एक वाली नहीं है या फिर हमने गुनाह के वनवान को समझा ही नहीं ठीक आज की हद तक बात को रोकता मगर ये जरा दो आयतों का तर्जुमा और सुन लीजिए बाकी बात है इन कल वो कहते हैं जिन कि हम में से मुसलमान भी हैं और हम में से कासिद भी हैं मुस्लिम और कासिद मुस्लिम और काफिर नहीं मुस्लिम और कासित कासित क्या है कासित है अजीब लफ्ज है ये अगर आए मस्जिदी के बाप से होकर आए तो इसका मतलब है इंसाफ करने वाला और अगर सलासी मुजर्रद में आए तो इसका मतलब है जुल्म करने वाला काफ़, सीन, तोयें कस्त इसका तर्जुमा दो होते हैं अलग अलग एक जुल्म है एक अदलो इंसाफ है अदलो इंसाफ व अदला, कमा और इसका एक तर्जुमा यहां किया गया वो अमल हम में से जालिम हैं। जालिम का मतलब वही जुमला है आप सबको जुबानी याद ना हो शायद दुआए नुतबा आज दिन कौन सा था याद है मुझे जुम्मा था आज हाँ जुम्मा अगर याद है तो फिर दुआए नुतबा याद होगी और दुआ नुतबा में मौलाए कायनत अबी अभी सलाम के मुकाबले पर आने वाले तीन गिरोह का तस्करा मौजूद है एक नाकिसीन, एक का तीन और तीसरा वो नासबीन जो कहलाते तो इसमें से एक लफ्ज का से तीन ये कौन थे ये शाम वालों से जो जंग हुई थी तो मौलाई कायनात के मुकाबले पर जंग का बाकी बातें है, बात है कल जब शाम का लफ्ज जुबान पर आया तो एक ज्यारत याद आ गई ऐसी ज्यारत गाह है कि अगर जहां पर इंसान जाए और सलाम करे तो बड़ा मुश्किल है कि उसकी आंख में आंसू ना आए यानी शायद करबला जाकर आंसू लाने के लिए करबला सोचनी पड़ती है मगर चार साल की बच्ची के रोजे पर जाओ क्यों क्या फर्क है करबला में तो छह महीने के अली असगर दफन है ना लेकिन जब शहजादे अली असकर की मुसीबत याद आती है तो करबला में आज एक इत्मीनान ये होता है कि हाँ साथ में बाबा के है साथ में भैया अली अकबर के है साथ में गंजे शहीदा में सारे अकरबा मौजूद हैं कुछ फासले पर चचा बास मौजूद है हाय सकीना जब कोई शाम पहुंचे बनु उमवी मस्जिद के करीब पहुंचे तो एक छोटा सा मकाम जो अब माशाल्लाह बड़ा रोजा बन चुका है रुकैया बिनतुल हुसैन जिसे आप सकीना कहते जब उस बच्ची के रोजे पर जाइए तो बेसाख्ता सारी मुसीबत एक साथ याद आती फिर दिल ये तड़प जाता है सोच कर के आज भी अकेली है ना चाचा साथ में न भैया साथ में न बाबा साथ में अरे ना माफ साथ में अजरों को मल रोने वालों इस चार साल बच्ची के सारे मसाइब बयान करना मुश्किल है बस एक जुमला आपकी खदमत में बयान करता हूँ करबला से और एक जुमला बयान करता हूँ शाम से करबला की मुसीबतों में एक बड़ी मुसीबत ये थी खुदा किसी बेटी को ये मंजर न दिखा जो सकीना ने देखा शाम गरीबा में ठोकरें खाती हुई चली है कोई बच्ची का को हाथ थामने वाला नहीं है कोई रास्ता बताने वाला नहीं है ऐसे में रावी लिखता है मैंने देखा कि बच्ची के दामन पर चिंगारी है इससे आग भड़कना चाहती है कहते है, मैं तेजी के साथ आगे बढ़ा के अकेली जा रही है कहीं जल ना जाए मुझे आते हुए देखा नन्ने नन्हने हाथों को उठाया उठा कर मुझे रोकना चाह शेख मेरे करीब ना बे औलादारा ये कहता है मैंने कहा बच्ची मैं तेरे दामन की आग बुझाना चाहता हूँ एहसान करना चाहता एक एहसान कर दे मुझे नजफ का रास्ता बता दे का बच्ची क्या करेगी तुझे नहीं मालूम मेरा दादा नजफ में रहता है फरियाद याद करूंगी दादा भरा घर लुट गया दादा मेरा बाबा मारा गया रोने वालों बच्ची को मौका मिला कब अपने बाबा से बात करने का हाय या तो मख्तले करबला में लाश बेसर से निदा आई बुनैया आई लैयाैया दरबार यजीद में यजीद ने जब ये ताना दिया तुझे तो तेरे बाप का सर देंगे नहीं बुला सकती हो तो बुला के देख ले बच्ची ने इमाम में सज्जात को देखा इजाजत मिल गई नन्हे नन्हे हाथों से जले हुए कुर्ते का दामन फैलाया बाप के रखे हुए सरगो आवाजी बाबा यजीद तेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है बाबा इसे बतला दे मुझसे कितनी मोहब्बत बाबा सकीना बुला रही है आ मेरी गोद में आ तस्ते तला से सरे मां फिजा में बुलंद हुआ बच्ची की गोद में पहुंच अरे हॉट पे होट मलने लगी बाबा मुझे तमाचे मारे गए बाबा वो जो गोश आपने पहनाए थे बाबा सालिम ने नोच लिया <laughs>

हुसैन का वास्ता उन तमाम बीमार बच्चों बच्चियों को शिफाए कामिला सेहत आजलाता फरमा ख़ास तौर से जो ऐसे बच्चे हैं कि जो जहनी मर्स का शिकार हैं सी पी चाइल्ड के स्टाइल में बीमार रहते हैं परवरदगार ऐसे तमाम बच्चों को शिफाए कामिला बारा वास्ता मोहम्मद अल मोहम्मद का शहजदादी का वास्ता शहजदादी की दादी और दादा का वास्ता शहजादी की चचा और बाबा का वास्ता शहजादी के भैया और माँ का वास्ता परवरदिगार तमाम तर अहले ईमान को करबला मौल्ला की ज्यारत नसीब मरने के बाद करबला वालों की शफात नसीब फरमा जन्नत में करबला वालों के कदमों में ग़ुलामों को जगह नसीब फरमा इमाम ज़माना वसलात व्लाम के जहूर में ताजील फरमा और हम सब कोई मामल तो सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा आज की इफ़ार जिन मरहूम कई साले सवाब के लिए थी उनके लिए सूर्यूर फ़ात के इतमास है मरहूम रजब अली जाफ़र अली बुधवानी मरहूम जाफ़र अली अलादीन लाला मरहुमा फ़ातिमा बाई फ़िदा हुसैन मरहूम फ़िदा हुसैन शरीफ मरहुमा फ़ातिमा बाई जावेर लाला मरहूम दिलावर हुसैन बुधवानी मरहुमा कुलसूम बाई जाफ़र अली मरहूमा रोशन भाई कापसी मरहूम मोहम्मद भाई खिमजी आपके मरहुमी मरहूम मुशाइदी शहदाय इस्लाम इमाम बारगह के वॉल्टियर्स के मरहुमी इमाम बारगा के मरहूम वॉल्टियर्स और उन मरूमिन को याद करते हुए जिनके लिए कोई सुरफातिया पढ़ने वाला नहीं रही अल्फातहा